मैं बांग्लादेश से वापस आ रहा था, एक गोरा मेरे पास बैठा था। फिर तो मैं चुप रहा, फिर मैंने कहा इसको दावत दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे तो अंग्रेजी छोड़े जमाना हो गया, पता नहीं याद आती नहीं आती, ऐसी बीच में नाटक जाए। फिर मैं कहा या अल्लाह कहीं क़यामत के दिन ये दावा ही ना कर दे कि चार घंटे मेरे पास बैठा रहा और मुझसे बातें नहीं की। मैं कहा अल्लाह इतनी अंग्रेजी याद दिला दे कि मैं इसको दावत दे सकूं। तो मैंने उससे बात शुरू कर दी। तो 15-20 मिनट के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कुछ 60% अपनी बात कह रहा हूं, 40% वोकैबुलरी पीछे चली गई तो वो नहीं हाजिर हो, लेकिन मैं अपनी बात पूरी उसको करूं। बहुत मुतासर हुआ और यूं करके बैठा मेरी बात सुन रहा। पता नहीं बीच में शराब की बात कहां से आ गई, मुझे अब पूरा याद नहीं। शायद मैंने इस्लाम की पाकिजगी में बयान किया कि हमारे यहाँ शराब हराम है, कोई ऐसी बात आई। तो ऐसे बैठा था, जब मैंने शराब की बात की है यूं कर लगा, क्या हुआ? कहा मैं ताजर हूं, हॉलैंड का था, सारी दुनिया फिरता हूं, सबसे अच्छी शराब मुझे कराची में मिलती। मैं कहले अभी मेरी तबलीग तो तू सारी ठप चढ़ गई। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मैं शिकस्त खा गया, पीछे हट गया। फिर मैं इस पे आ गया, मैंने कहा अच्छा मेरे दोस्त हमें ना देखो तुम ऐसा करो कुरान को पढ़ो, समझ में आ जाए तो देख लेना, हमें ना परखो, हम गलत हो चुके हैं, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलम है, इसको देखो, इसमें तुम्हें रहनुमाई मिले तो चलो। तो बदअखलाकी ने एक इस्लाम के करीब आए आदमी को धक्का देकर वो फेंक दिया, और मुसलमान ही शराब बेचने के लिए बैठा हो तो अखलाक कहां गए, ईमान कहां गया, रब होना कहां गया। अल्लाह ने पहला अपना तारुफ कराया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे पालने वाला मैं हूं, कोलन में भी मैं ही हूं और लाहौर में भी मैं ही हूं, मदीने में भी अल्लाह ही है, मक्के में भी अल्लाह ही है। देखो कहीं हराम रास्ते पे कमाई करने न चले जाना।